इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला TSTO हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद है प्राइमरी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर जमाल नासर। इनसे जानते हैं कि फिरोजवाला TSTO हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात तो मौजूद है, मगर यहाँ पर जो सहूलत है जो 30 से 40 लाख लोग हैं उनके लिए क्या कोई इंतजाम किए जा रहे हैं, सब बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर ही यहाँ आया हूँ और खाली यहाँ नहीं आया, इससे पहले मैं आफजाबाद के DHU हॉस्पिटल में भी गया था, मैं 2 THQ में गया, मैं भेरा में भी गया हूँ, आज सुबह से निकला हूँ और आगे भी पूरे पंजाब के उसमें हूँ। और हमारे आने का मकसद भी ये कि चीफ मिनिस्टर जो हमारे इस शख्सियत पर बड़ा काम कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, हम उसी हवाले से आए थे, लेकिन माशाल्लाह जो कुछ मैं देख रहा हूँ अब तक अस्पतालों के हालात वो पहले से बहुत बेहतर हैं, तो अगर मसाइल भी हैं तो वो थोड़े बहुत हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी उम्मीद है कि हम इसको कोशिश करेंगे कि बेहतर करें। यहाँ पर 30 से 40 लाख की आबादी है, अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो यहाँ से 15 से 20 किलोमील दूर वो मरीज को लेकर जाया जाता है, और वो आपको समझते हैं कि यहाँ पर जो मरीज हैं वो शदीद उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है। आप मुझे ये बताएं कि अगर हार्ट अटैक का मरीज़ होता है क्या ये वापस कर देते हैं उसको, पहले सवाल का जवाब आप दें मुझे, पहले बोले सवाल का जवाब देना, नहीं मुझे। ये तो मेरे सवाल का जवाब दें फिर मैं अगली बात ये तो करते हैं, मगर यहाँ पर सहूलियत अब मैं बताता हूँ। देखें, जब भी हार्ट अटैक होता है तो दो बुनियादी चीज़ें बड़ी होती हैं, एक ये कि फ़ौरन उसको जो है डॉक्टर की अवेलेबिलिटी हो, नंबर दो ECG हो, और अगर हार्ट अटैक हो जाए तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एक इंजेक्शन होता है वो लगा दिया जाता है, और ये दो चार चीज़ें बेसिकली जब हो जाती हैं तो उसमें कम से कम 90% पेशेंट जो है ना वो सेफ हो जाता है। उसके बाद अगर ये समझते हैं कि इसको ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो मेरा ख्याल है ये इतने काबिल हैं माशाल्लाह, जैसे वो डॉक्टर साहब भी हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं पीड्स के, कि वो फिर इसको भेज देते हैं, रेफ़र कर देते हैं। हाँ, अगर ये सहूलियत ना होती तो बजा थी बिल्कुल आपकी बात के, और हर जगह आप जो है ना वो पूरा आइडियल हार्ट का सिस्टम दे नहीं सकते, वो इतना आसान नहीं है कि आप मसलन पूरे पिंडी में एक रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है जिसकी आबादी आपसे बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये कहना कि नहीं है, ये हर जगह पे ऐसे ही मैनेज होता है, दुनिया की बड़ी बड़ी जगहों पे भी ऐसे ही मैनेज होता है। कि TSTO हॉस्पिटल में यहाँ पर लोग तो मुतमिन तो हैं, मगर यहाँ पर जो मरीज ज़्यादा होने की वजह से कई दफ़ा बेड्स की कम हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई उसके लिए ये है कि आबादी को कम भी तो कराए ना यार।